हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं चंचल भाटिया और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th की साइंस की बुक का 5th चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आज हम बात करेंगे एसिड बेसिस और सॉल्ट के बारे में। तो बच्चों, जैसे कि हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं काफ़ी सारे सब्सटेंस जो कि होते हैं, जैसे लेमन, टर्मरिक, कॉमन सॉल्ट, शुगर, वेनेगर, ये सब क्या होते हैं? हमारे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। और ये इनका क्या होता है टेस्ट? सॉर, किसी का बेटर, किसी का सॉर, किसी का सॉल्टी और किसी का स्वीट। तो इस तरह से अलग अलग टेस्ट में होते हैं। अब ये देखो, जैसे आपको ये सब्सटेंस दी हुए, लेमन का टेस्ट कैसा होता है? लेमन का टेस्ट होता है हमारा सॉर, ठीक है। और उसके बाद ऑरेंज का टेस्ट कैसा होता है? हमारा सॉर। वेनेगर कैसा होता है टेस्ट में? सॉर। और कर्ड कैसी होती है हमारी? थोड़ी सी खट्टी मीठी होती है, ठीक है। और टर्मरिक यानी कि इमली, इमली का टेस्ट कैसा होता है? सॉर, ठीक है। शुगर कैसी होती है हमारी टेस्ट में? स्वीट। तो ये आपको एक टेबल दी हुई है। आंवला कैसा होता है टेस्ट में? खट्टा। कॉमन सॉल्ट, ये सब अलग अलग हमें बेकिंग सोडा कैसा टेस्ट में होता है? मतलब सोपी टाइप से होता है, ठीक है। और ग्रेप्स कैसे होते हैं? सॉर। अनराइप मैंगो कैसे होते हैं हमारे? अनराइप मैंगो होते हैं हमारे सॉर। तो ये इस तरह से हम डेली लाइफ में अपने सब्सटेंस यूज़ करते हैं। कुछ सब्सटेंस होते हैं हमारे टेस्ट में सॉर, और कुछ बिटर, और कुछ स्वीट, और कुछ सॉल्टी। तो अब हम बात करेंगे एसिड एंड बेसिस की। तो ये जो होते हैं ना, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, वेनेगर, तो ये सब कैसे होते हैं टेस्ट में? हमारे सॉर होते हैं, ठीक है। और दीज सब्सटेंस टेस्ट सॉर, ये सब टेस्ट में सॉर इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? एसिड होता है। और एसिड कौन सा होता है इसमें? नेचुरल एसिड है ना, जो कि इनको नेचुरल मिलता है। जैसे लेमन होता है, लेमन कैसा होता है अपना टेस्ट में? सॉर होता है। ऑरेंज भी कैसा होता है? सॉर। वेनेगर, कर्ड, ये सब चीज़ें कैसी होती है हमारे टेस्ट में? सॉर होती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। इनमें क्या वो क्या क्या कहते हैं, नेचुरल एसिड होता है। तो ये द वर्ड एसिड कम, जो ये एसिड वर्ड है ये कहाँ से आया है? लेटिन के एकर वर्ड से आया है, ठीक है। एकर वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सॉर। लेटिन के एकर वर्ड से आया है एसिड वर्ड, जिसको आप बोलते हैं एकर, ठीक है। इसका मतलब होता है सॉर, ठीक है। और ये सब कैसे होते हैं हमारे? नेचुरल एसिड होते हैं। अब हम बात करेंगे बेस के बारे में। अब आपने बेकिंग सोडा जनरली घर में होगा देखा होगा आपने, उसको जो अगर आप टच करके देखें तो वो सोपी सोपी होता है, यानी चिकना चिकना होता है। लेकिन वो टेस्ट में कैसा होता है? बिटर, ठीक है, कड़वा होता है। जैसे बिटर गार्ड होता है, यानी करेला, उसको अपन बिटर गार्ड बोलते हैं क्योंकि वो करेला होता है, कड़वा होता है, ठीक है। तो अब आप जैसे वो बेकिंग सोडा को हाथ में लोगे, उसको रब करोगे अपनी फिंगर्स में, तो कैसा फील होगा? मैं सोपी सोपी यानी कि चिकना चिकना फील होता है, ठीक है। तो और ये टेस्ट में कैसा होता है? बेटर होता है। तो इसलिए इट मीन्स इसमें ये इसमें क्यों कौन सा सब्सटेंस होता है हमारा? बेस। इसमें सब्सटेंस जो होता है हमारा वो होता है बेस, ठीक है। सब्सटेंस जो होता है हमारा वो होता है बेस। द नेचर ऑफ बेस सब्सटेंस इज सेड बेसिक, जो बेस में जो उसका नेचर होता है, मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है वो होती है बेसिक। कहने का मतलब ये है कि एसिड जो कैसे होते हैं टेस्ट में हमारे? सॉर होते हैं। और जो ये बेस होता है, ये हमारे इनका नेचर जो होता है बेसिक होता है। अब क्या होता है कि हर एक चीज़ को आप टेस्ट करके तो देख नहीं सकते, नेचुरल सी बात है कि कोई चीज़ हमारे खाने लायक है, कोई चीज़ नहीं है, तो आप हर एक चीज़ को तो टेस्ट करके नहीं दे सकते। तो उसके लिए क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर इन, अलग से मतलब स्पेशल सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए जो एक अलग से सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है कि कोई भी चीज़ पता लगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है, इसमें एसिड मौजूद है या बेसिक है, उसको बोलते हैं अपन इंडिकेटर, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सब्सटेंस होता है, उसमें एसिड है या बेस है, उसका पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है इंडिकेटर्स का। तो इंडिकेटर चेंज कलर व्हेन एडेड, जब आप इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर में अगर आप कोई भी सॉल्यूशन डालोगे, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, तो उससे क्या होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज हो जाता है, तो जो कलर चेंज होता है उसको अपन बोलते हैं इंडिकेटर। अब जैसे जनरली हमारे घर में होती है टर्मरिक, हल्दी,
जैसे व्हाइट कलर की आपकी शर्ट है, अगर मान लो उस पे हल्दी गिर जाती है, तो हल्दी गिर जाने से क्या होता है, उसका कलर पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। और जब आप उसको डिटर्जेंट लगा कर उस पे छोड़ते हो तो उसके बाद उसका कलर कौन सा चेंज हो जाता है, पीले से वो रेड कलर में चेंज हो जाती है। तो इट मीन्स इसमें एसिड है, इसमें एसिड है। तो ये इंडिकेटर होते हैं, ये एक इंडिकेटर होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि पहले तो उसका कलर टर्मरिक से पीला हुआ और पीले के बाद उसका कलर रेड हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारे इंडिकेटर। और कुछ एग्जांपल हैं आपके, जैसे लिटमस हो गया, चाइना रोज हो गया, पेटल यानी चाइना रोज यानी कि गुड़हल, आपने गुड़हल का फ्लावर देखा होगा। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। अब इसी चैप्टर में देखो, आपको एक ये टेबल दी हुई है, इस टेबल में हमें ये जानना है कि कौन सी चीज़ में एसिड होता है और कौन सी चीज़ में आपका बेसिक होता है। अब जैसे जनरली हम यूज़ करते हैं अपना विनेगर, विनेगर में क्या होता है, हमारा एस्ट्रिक एसिड होता है। और आंट स्टिंग यानी कि जब चींटी काट जाती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। और ऐसे ही साइट्रिक फ्रूट जैसे ऑरेंज हो गया और लेमन हो गया, इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। और दूसरा कर्ड, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनेच, इसमें ऑक्जिलिक एसिड होता है। और दूसरा आंवला, साइट्रिक फ्रूट, ये इन सब में क्या होता है, विटामिन सी होता है यानी कि एस्कोरबिक एसिड। इसी तरह से आगे हम बात करते हैं बेस, कुछ बेसिस के एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे आप वाटर में अगर आप कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड डालेंगे वाटर के अंदर, तो उसमें क्या होता है, बेस होता है। अगर आप वाटर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा लाइम वाटर बन जाएगा। और इसी तरह से अमोनियम हाइड्रो एसिड होता है, उसको अगर आप वाटर में डालेंगे तो क्या बन जाता है, जो हमारा विंडो क्लीनर वो आता है ना सॉल्यूशन, जैसे आप लाइजोल वगैरह लाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिस होता है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको जो कि बेसिस के हैं, इसके बारे में हम कौन सी चीज़ में बेसिस अवेलेबल है और कौन से सॉल्यूशन में सब्सटेंस में आपके एसिड मौजूद है, ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर अराउंड, जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं हमारे चारों तरफ, उनके बारे में बात करते हैं। तो उसमें होता है हमारा सबसे पहले लिटमस। लिटमस एक पेपर होता है जो कि नेचुरल डाई होती है, ठीक है। जैसे कपड़ों में हम डाई करवाते हैं, कोई कलर चेंज करवाते हैं, ठीक है, या खाने में जैसे हम कोई डाई कलर डालते हैं, तो वो एक लिटमस पेपर होता है, उसके थ्रू क्या है, कलर चेंज होता है। ये क्या है, लेचिन, लेचिन से आया है, लेचिन इसको एक्सट्रैक्ट करता है। ये एक इंडिकेटर होता है हमारा, ठीक है। लिटमस क्या होता है, हमारा एक इंडिकेटर होता है। ये क्या है, जनरली पर्पल कलर में होता है, ठीक है। नेचुरली इसका कलर जो होता है वो होता है पर्पल, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें एसिड डालते हैं ना, तो ये किस कलर में हो जाता है, रेड में हो जाता है। और जब आप इसमें बेसिक ऐड करते हैं तो ये इसका कलर ब्लू में चेंज हो जाता है। जनरली क्या होता है कि जैसे हम क्लासेस में, आपने कभी स्कूल में प्रैक्टिकल किया हो तो जैसे कराते हैं जनरली, तो क्या होता है, ये जो हमारा लिटमस पेपर होता है ये नेचुरली तो पर्पल कलर में होता है, लेकिन जब आप इसमें एसिड ऐड कर देते हैं तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। और अगर आप इसमें बेसिक ऐड करते हैं तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू कलर के फॉर्म में हो जाता है। ये एक पतली सी स्ट्रिप होती है, एक स्ट्रिप टाइप सा होता है ये लिटमस पेपर, ठीक है। और ये आपको अवेलेबल जनरली मार्केट में हो जाता है, अवेलेबल एज अ रेड और ब्लू लिटमस पेपर के नाम से आपको अवेलेबल हो जाता है। ये देखिए, आपको एक पतली सी स्ट्रिप है, ये एक क्या है, हमारे लिटमस पेपर हैं, ये क्या है, हमारे लिटमस पेपर हैं ये दोनों। अगर इसमें हमने एसिड ऐड किया तो इसका कलर रेड हो गया, और अगर हमने इसमें बेसिक ऐड किया तो इसका कलर, ये सॉरी, एसिड पर्पल कलर का था, इसमें हमने एसिड ऐड किया तो ये रेड कलर में हो गया, और जब हमने इसमें बेसिक ऐड किया तो ये ब्लू कलर में चेंज हो गया। तो ये होता है हमारा लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के द्वारा हमने इसको पढ़ा, ठीक है। अब हम आगे बात, तो अब इसमें आगे हम यही देखेंगे चैप्टर में, कि इसमें आगे यही बताया हुआ है कि कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें अगर आप एसिड या बेस कुछ भी डालोगे तो वो कलर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है।
तो जैसे ना वो वाटर हो गया, द सोल्यूशन विच डू नॉट द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर एज नॉट नेचुरल सोल्यूशन। ऐसे क्या कहते हैं, सोल्यूशन जिसमें कलर को, चाहे वो रेड लिटमस पेपर हो या ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, वो कलर चेंज नहीं करते हैं, ऐसे सोल्यूशन उसको बोलते हैं अपन नेचुरल सोल्यूशन, ठीक है। दीज सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, ना तो ये एसिड वाले होते हैं और ना ही ये बेसिक होते हैं। मतलब ये कुछ जैसे वाटर है, वाटर में कोई एसिड नहीं होता है ना कोई बेस होता है, तो आप उसमें कोई भी वो सोल्यूशन डालोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। इसमें आगे जैसे यही बताया हुआ है टर्मरिक का, कि आप कोई भी वाइट कपड़ा लीजिए और उसमें अगर आप टर्मरिक डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो कलर हो जाता है, ठीक है। और फिर जब उसको उसके ऊपर आप कोई भी डिटर्जेंट सोप वगैरह लगाते हो तो उसका कलर वो चेंज हो जाता है, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है रेड कलर में। इसमें यही बताया गया है। और एक ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि अगर आप जैसे हल्दी वो लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं और उसमें चूना मिक्स करते हैं, चूना मिक्स करेंगे तो चूना मिक्स करने के बाद जब आप उसको निकालेंगे तो वो क्या निकलता है, क्या बन जाता है, लाइम वाटर बन जाता है। तो हम उसमें से लाइम वाटर को निकाल सकते हैं, इस तरह से इसमें ये आगे बताया हुआ है, ये आपके ब्लू बॉक्स में। और दूसरा ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, एक टेबल दी हुई है, इसमें यही दिया हुआ है कि अगर आप रेड लिटमस पेपर लेते हैं और ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं तो उसमें अगर आप कोई भी सोल्यूशन डालते हैं तो उसमें कौन सा कलर किस तरह से चेंज होता है। एक साथ में ये एक्टिविटी दी हुई है कि जैसे अगर आपने कोई भी हल्दी को ले लिया, हल्दी को किसी भी पेपर से कोई डिज़ाइन बना लिया और उसके बाद उसको सुखा दिया, ठीक है, सुखाने के बाद जब हम उसको सुखा देते हैं तो जब उसके बाद हम सोप का सोल्यूशन लेते हैं, सोप का सोल्यूशन से और सोप का सोल्यूशन लिया मतलब सोप लिया और उसको गाढ़ा गाढ़ा थिक थिक घोल लिया, ठीक है। और फिर कॉटन की बड़ लेकर उसमें हम उस हल्दी वाला जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर हम अगर उस ईयरबड से सोप वाले सोल्यूशन में उसको डिप करके कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये एक आपको एक्टिविटी दी हुई है। अब हम बात करते हैं चाइना रोज़ एज अ इंडिकेटर। चाइना रोज़ कहने का मतलब है जो ये होता है ना गुड़ेल का फूल, गुड़ेल का फूल अगर आपने लोगों ने देखा हो तो ये पिंकिश कलर का होता है, चाइना रोज़ ये पिंकिश कलर में होता है, ये होता है इंडिकेटर होता है ये हमारा, ठीक है। और जब हम इसको पीस के मसल के पानी में डालते हैं तो इसका कलर चेंज, अगर पानी में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है पिंक। ऐसे तो ये दिखने में रेड कलर का होता है लेकिन जब आप इसको पानी में डालते हैं पीस के तो ये हो जाता है पिंक कलर का, ठीक है। और जब उसके बाद जब आप इसमें एसिड डालेंगे, ठीक है, जब आप इसमें एसिड मिक्स कर देंगे तो इसका कलर हो जाएगा मजेंटा कलर का, ये मजेंटा कलर का हो जाएगा अपना, ठीक है। और उसके बाद जब आप इस सोल्यूशन में, इंडिकेटर में, मतलब जो आपने गुड़ेल का फूल को पीस कर जो पानी बनाया है जो इंडिकेटर है इसमें जब आप बेस डालेंगे तो ये कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है ये हमारा, ठीक है, ये इस तरह से ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो ये हमने अभी देख लिया चाइना रोज फ्लावर एंड इंडिकेटर प्रिपेयर फ्रॉम इट। और अब आगे आपको कुछ इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, जैसे अपना टेस्ट सोल्यूशन है, इफ़ेक्ट एक टेबल है ये हमारी, और इसमें क्या करना है हमें कि इफ़ेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशन, जब आप लेमन में टर्मरिक सोल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। ऑरेंज में डालेंगे टर्मरिक सोल्यूशन तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। वो इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि टर्मरिक जो होती है वो खुद ही नेचुरल एसिड होती है, इसलिए वो कलर चेंज नहीं करती है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इसी में ही चैप्टर में आगे, कि जैसे अगर आपने ये आपको, हाँ, ये जैसे अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और उसको लेने के बाद अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया आपका, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड है, एरेटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एसिड अगर आपने लिए तो इनको जब हम पानी में मिक्स करते हैं, लिटमस पेपर से पे डालते हैं, इन सॉल्यूशंस को अगर हम लिटमस पेपर पे डालते हैं तो उनका कलर रेड चेंज हो जाता है, और अगर आप इसको टर्मरिक पेपर के ऊपर डालोगे तो इनका कलर चेंज नहीं होगा।
वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि टर्मरिक ऑटोमेटिकली एसिड है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से चाइना रोज सोल्यूशन है कि जैसे आपने अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, सोल्यूशन लिया और उसको लिटमस पेपर में डालेंगे तो उसका कलर कौन सा हो जाएगा, रेड कलर, उसका कलर हो जाएगा हमारा रेड। और अगर आप टर्मरिक में डालेंगे तो उसका कोई चेंज नहीं होगा कलर, ठीक है। और अगर आप उसको चाइना रोज़ गुड़ैल के फूल वाले सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में लिटमस पेपर का। तो ये कुछ हमारे सोल्यूशन हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि जब रेन होती है तो रेन में क्या होता है कि कुछ हमारे सोल्यूशन मिक्स होते हैं, जैसे कुछ एसिड मिक्स होते हैं, जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, ये सब रेन क्या रिलीज़ करती है क्योंकि हमारे एयर में पोल्यूशन होता है, ठीक है। पोल्यूशन होता है तो पोल्यूशन में क्या है, ये सारी गैसेस हमारी मिक्स होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई, तो ये सब क्या है हमारे जो एनवायरनमेंट में है मिक्स होती है। तो जब रेन होती है तो ये सारे एसिड हमारे उस रेन ड्रॉप में मिक्स हो जाते हैं, तो जब ये एसिड मिक्स हो जाते हैं तो उस रेन ड्रॉप इनसे कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो एनवायरनमेंट में हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब ऑलरेडी मौजूद हैं। और जब रेन होती है तो ये रेन में जब मिक्स हो जाती हैं तो रेन में मिक्स होने के बाद ये एसिड चेंज हो जाते हैं, ये जो रेन की ड्रॉप्स होती हैं चेंज हो जाती हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाती है। इसलिए इसको एसिडिक रेन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इनको एसिडिक रेन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जब फैक्ट्रीज वगैरह जो होती है ना वहाँ से क्या पोल्यूशन होता है, धुआं निकलता है, तो वो उस धुएँ से ये सारी गैसेस रिलीज होती हैं। और जब रेन होती है तो ये सारी गैसेस जो है हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं, तो उससे ये सारे एसिड बन जाते हैं हमारे, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और दूसरा जो कि हमारे बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, इनके लिए सबके लिए हार्मफुल होता है। प्लांट्स के भी हमारे डैमेज होते हैं, एनिमल्स की बॉडी के लिए भी हार्मफुल हो जाता है, प्लांट्स के लिए भी वो ग्रो नहीं कर पाते, उनमें एसिड मौजूद हो जाता है तो वो भी सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। और हमारे जो वो है होती हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, वो भी उनकी वॉल्स कैसी काली काली हो जाती हैं, काई जम जाती है, वो भी क्या ख़राब होने लग जाती हैं। अब आगे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बस इतना ही है कि अगर आप कोई भी एसिड या बेस को टच करो तो उसको केयरफुली टच करना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, इसमें कुछ ऐसा मिक्स होता है जिससे हमारी बॉडी को हार्म होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, तो अभी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि एसिड को, जब हम एसिड को ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं तो वो चेंज हो जाता है रेड कलर में। एसिड को अगर आप ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालोगे तो वो चेंज हो जाएगा रेड कलर में, और अगर आप बेस को रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालोगे तो वो चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में। ये सब वो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे ये फिनोप्थिलीन जो होता है, फिनोप्थिलीन जो होता है वो एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। फिनोप्थिलीन जो होता है हमारा वो एक इंडिकेटर होता है। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं एक्टिविटी 5.5 में। इसमें देखो क्या करना है हमें कि एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। एक हमने क्या ले ली, टेस्ट ट्यूब ले ली, और उसमें हमने डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ठीक है। उसमें हमने डाल दिया HCl, ठीक है। अब हमने इसका कलर नोट डाउन करना है, और इसका कलर होता है हमारा, इसका कोई कलर नहीं होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन। अब हमें फिनोप्थिलीन का कलर नोट डाउन कर लेना है। फिनोप्थिलीन का कलर होता है पिंक, ठीक है। फिनोप्थिलीन का कलर होता है पिंक। तो अब हमने क्या करना है कि ऐड 2-3 ड्रॉप इंडिकेटर टू द एसिड। अब इस एसिड में अगर हम 2-3 बूंदें फिनोप्थिलीन की डालेंगे तो क्या होगा कि उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर आप फिनोप्थिलीन का जो आपने बेस वो बनाया है,
सॉल्यूशन बनाया है फेनोफ्थलिन का, अगर आप उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो कोई कलर उसका चेंज नहीं होगा। अगर आप एसिड फेनोफ्थलिन वो बनाएंगे, फेनोफ्थलिन सॉल्यूशन बनाएंगे और अगर आप उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो वो कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन टू अ ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जब हम इसमें अब हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, और अब इसमें हम कुछ ड्रॉप्स डालेंगे फिनोप्थिलिन की। अब इसका कलर हमें नोट करना है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर होता है पिंक। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर जो होता है वो होता है पिंक। ठीक है, लेकिन जब हम तो जब हम इसमें फिनोप्थिलीन का सोल्यूशन डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में, जब आप फिनोप्थिलीन का सोल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा कि इसका जो कलर है वो पिंक कलर में चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब टोटली ये है कि जैसे देखो, मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे हमने ये एक टेस्ट ट्यूब ले ली, 3 टेस्ट ट्यूब ले ली। ठीक है, एक में तो है एसिड, ठीक है, इसमें क्या है एसिड, और इसमें है हमारा फिनोफ्थिलीन, ठीक है, और इसमें है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, इसमें हमारा NaOH। जब आप फिनोफ्थिलीन की कुछ ड्रॉप्स NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा पिंक में, इसका कलर चेंज हो जाएगा पिंक। ठीक है, और जब आप ये फिनोप्थिलीन को एसिड में डालेंगे तो ये कोई कलर चेंज नहीं करेगा, नो चेंज। ठीक है, कोई कलर चेंज नहीं होगा इसमें। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं, ये होता है हमारे, ये हो गए हमारी एक एक्टिविटी। ठीक है, ये देखो जैसे आपको एक पिक्चर में दिखाया हुआ है कि ये 2 टेस्ट ट्यूब ली हुई हैं। ठीक है, ये तो है हमारा फिनोप्थिलीन। ठीक है, ये है हमारा फिनोप्थिलीन। ठीक है, और अब इस फिनोप्थिलीन में अगर हमने डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाल दिया तो इसका कलर चेंज हो गया पिंक। लेकिन अगर हमने इसको एसिड में, और जो फिनोप्थिलीन होता है ये हमारा होता है इंडिकेटर। ठीक है, लेकिन जब हमने इस इंडिकेटर को यानी कि फिनोप्थिलीन को एसिड में डाल दिया तो इसमें जब एसिड को मिक्स कर दिया तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये 2 टेस्ट ट्यूब हैं और एक में, और दोनों में फिनोप्थिलीन है। ठीक है, अब हमने एक में डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक में डाला हमने एसिड, तो जो जिसमें हमने एसिड डाला है उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा पिंक कलर में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। व्हेन वी एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द बेसिक सॉल्यूशन, जब आप एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स कर देते हैं तो इस प्रोसेस को, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइज। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइज। ये दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन और एसिड सॉल्यूशन को जब आप मिक्स कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जब ये इस एक दूसरे के प्रोसेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो हमने ये एक दूसरे के ऊपर मतलब अपना रिएक्शन डाल देते हैं तो दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे का जो वो होता है, क्या कहते हैं, इफेक्ट होता है उसको तो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, हीट को रिलीज़ करते हैं, हीट को रिलीज़ करते हैं और जो सोल्यूशन होता है वो क्या, गर्म हो जाता है। हीट रिलीज़ करते हैं और जो सोल्यूशन होता है वो जो होता है वो गर्म हो जाता है। और इसके जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है उससे क्या सॉल्ट बनता है और हीट को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे। अब ये देखिए, जैसे आपने एसिड और बेस को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया हमारा, सॉल्ट एंड वाटर, और क्या निकलने लगी उससे, हीट निकलने लगी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब हम बात करेंगे द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज़ नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस को आप जब मिक्स करते हैं तो इन दोनों के जो मिक्स होने से जो बेस बनता है, जो सॉल्यूशन बनता है,
उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। और जब आप इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि वाटर और सॉल्ट बनता है, वाटर और सॉल्ट बनता है और क्या निकलने लगती है, हीट निकलने लगती है। तो ये आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, जैसे अभी आपको नीचे हमने जो अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि आपने जैसे HCl लिया और NaOH लिया, ठीक है, जब हमने इनको मिक्स किया तो इसे क्या बना हमारा NaCl और H2O, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर। क्या रिलीज हुआ? सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब हम इसके आगे बात करते हैं, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हम हमारी होल लाइफ में, मतलब रेगुलर लाइफ में, ये जो है न्यूट्रलाइजेशन अपनी रेगुलर लाइफ में किस तरीके से होता है। सबसे पहले है इंडाइजेशन। इन अवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, और ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। जैसा कि आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है, ठीक है, कुछ मतलब जो स्टमक में हमारे कुछ एसिड भी बनते हैं जो कि इनडाइजेशन होता है, जिससे जैसे हमें एसिडिटी होती है। रिलीव इंजेशन, टेक अ एसिड एंटिक एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्सेस फूड एक्सेप्ट एसिड। तो क्या होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनने लगती है, इनडाइजेशन होने लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए, एंटासिड लेना चाहिए। एंटासिड लेने से क्या होता है कि हमारी जो इनडाइजेशन हो रहा है, बॉडी में एसिडिटी बनने लगती है, तो वो उसको रिमूव कर देती है। कहने का मतलब यह है कि जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इनडाइजेशन होने लगता है तो हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर हमें एंटासिड लेना चाहिए। उससे क्या है, हमारा जो फूड है उसमें हमें डाइजेशन होता है, एसिड का जो इफेक्ट है वो कम होने लगता है। अब हम आगे बात करेंगे एंट वाइट। जब हमें कभी एंट वाइट काट जाती है तो वो क्या करती है कि फॉर्मिक एसिड एक रिलीज़ करती है। एंट वाइट से क्या होता है, फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है। तो उससे क्या होता है कि आप अगर जैसे रब करते हैं कोई भी बेकिंग सोडा लेके, उस एंट वाइट जहाँ पे किया है उसके ऊपर अगर आप बेकिंग सोडा से लेकर उसको रब करते हैं तो उसका क्या है, इफेक्ट कम हो जाता है। या फिर जैसे आपने बेस ले लिया, सोप से भी अगर आप उसको अच्छे से रगड़ लेते हैं उस जगह पे, तो उससे भी क्या है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। और जैसे जिंक वगैरह हो गए, जिंक कार्बोनेट वगैरह, जैसे चाबी वगैरह होती है, तो इन सब को भी अगर हम मसल लेते हैं उस जगह पे, तो हमें उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आजकल क्या है कि सॉइल को अच्छा, मतलब फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या काफ़ी सारे केमिकल मिक्स किए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, और बहुत ज़्यादा एसिड होने पर क्या होता है कि प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो जी क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है सॉइल हमारी, तो उसमें क्या करते हैं, बेस मिक्स कर देते हैं। तो बेस मिक्स करने से क्या होता है कि एसिड का जो इफेक्ट है कम हो जाता है। और जैसे चूना मिक्स कर दिया सॉइल में, तो उससे क्या है, एसिड का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, और जो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है एसिड, और उसमें फिर क्या होता है कि जो बेसिक नेचर ऑफ सॉइल जो है वो अपने बेसिक नेचर में आ जाती है। अब इसी तरह से फैक्ट्री वेस्ट है, जैसे फैक्ट्री से काफ़ी सारे केमिकल्स वगैरह निकलते हैं जो कि फिश, जैसे अपने जो वाटर वगैरह पॉन्ड होते हैं या तालाब वगैरह होते हैं, उसमें जो फिश वगैरह होती है, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए हार्मफुल होता है। तो उसमें क्या कहते हैं कि जब बेसिक सब्सटेंस डाल देते हैं तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एसिड ज़्यादा हो गया है तो आप बेस मिक्स कर दो, और अगर बेस ज़्यादा हो गया है तो आप एसिड मिक्स कर दो, तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।